नमस्कार दोस्तों, हम सब लोग इस समय कोरोना वायरस से डरे हुए हैं और अपने अपने स्तर पर बचाव के प्रयास कर रहे हैं। पर जब मैं एज अ डॉक्टर देखती हूँ सोसाइटी में, तो मुझे कई गड़बड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। जैसे कि अगर हम प्रिवेंशन की बात करें, तो मास्क और सैनिटाइज़र का यूज़ लगभग सभी लोग कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं वो उपयोग जो कर रहे हैं वो सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में मैं बात करूँगी कि कोरोना वायरस के जो 3 स्टेप्स हैं, कैसे इसको हमें प्रिवेंशन करना है फर्दर ना हो इसके लिए। नंबर 2, एक्शन क्या लेना है अगर आपको सिम्टम है या आपके आसपास में किसी व्यक्ति को आप सिम्टम देख रहे हैं फीवर के, कफ के, कोल्ड के, तो आपको क्या एक्शन लेना है। इसके बाद आइसोलेशन या क्वारंटाइन की बात हो रही है, उसके भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है लोगों के, उस पर भी मैं बात करूंगी। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा भारत देश इस समय स्टेज 2 में है। स्टेज 2 ऑफ इन्फेक्शन का मतलब ये है कि कुछ लोग इन्फेक्टेड हैं जो बाहर से आए हैं, उनको इन्फेक्शन था और उनके आसपास के जो लोग हैं वो भी फर्दर इन्फेक्ट हो चुके हैं, लेकिन ये कम्युनिटी लेवल पर नहीं गया है। मतलब कि अगर आप अननोन प्लेस पर ऐसे जा रहे हैं बस में या मेट्रो में, तो आपको अभी उतना डरने की ज़रूरत नहीं है कि कोई अगला व्यक्ति कोरोना से इन्फेक्टेड हो सकता है। तो सबसे पहले जो प्रिवेंशन की अगर मैं बात करूं, तो जो मास्क लोग यूज़ कर रहे हैं, मास्क का प्रयोग सही नहीं कर रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि मास्क आइडियली डिस्पोजेबल होना चाहिए, लेकिन वो अभी की परिस्थितियों में संभव नहीं है। मास्क की इतनी सप्लाई नहीं हो पा रही है, शॉर्टेज भी है। तो डिस्पोजेबल मास्क मुझे लगता है कि उनके लिए छोड़ दीजिए जो हेल्थ प्रोफेशनल हैं या जो क्लिनिक सेटअप में काम कर रहे हैं या हाई रिस्क जोन में काम कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग जो रीयूजेबल मास्क यूज़ कर रहे हैं, उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो मास्क लगभग डेली धुलना चाहिए। तो अगर आपका मास्क बहुत कई परतों का है, जैसे एक काले रंग का मास्क मुझे देखने को मिल रहा है सोसाइटी में, उसमें कई लेयर्स हैं, तो मुझे एक डाउट है कि अगर वो धुल भी रहे हैं तो कितनी देर में सूखता होगा, और अगर उसमें कोरोना इन्फेक्शन या कोरोना वायरस ड्रॉपलेट के साथ उड़ के आ भी जा रहा है, मतलब आसपास में किसी के खांसी जुकाम के छींक से उड़ के कोई चीज़ आपके मास्क में आई है, तो वो वापस निकल पा रही है या नहीं। मान लीजिए कि आज आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए कि आपका मास्क इन्फेक्ट हो गया, और अगर आप ये मास्क को वापस रीयूज़ कर रहे हैं अगले 7 दिनों तक, तो आप एक तरह से उस इन्फेक्शन को साथ में लेकर घूम रहे हैं। न केवल आपके लिए वो ख़तरनाक है, बल्कि आपके आसपास में जो दूसरे लोग हैं आप उनको अपने मास्क से इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो कोशिश करिए कि मास्क इतना थिक नहीं होना चाहिए, या रुमाल का प्रयोग मास्क से ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि रुमाल को आप आसानी से रोज़ धो सकते हैं, सुखा सकते हैं। और एक कॉमन प्रैक्टिस में हमारे पास ना तो ऑटोक्लेव है और ना ही स्टरलाइजेशन के टेक्निक हैं। जैसे ऑपरेशन थिएटर के कपड़ों को और मास्क को हम डेली स्टरलाइज करते हैं दोबारा रीयूज़ करने से पहले। और डिस्पोजेबल मास्क जो लोग यूज़ कर रहे हैं, इसको भी प्रयोग करते समय मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि गलत कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले जो डिस्पोजेबल मास्क होता है, उसमें एक ऊपर एक प्लास्टिक की पट्टी होती है, इसको ऊपर की तरफ हमें रखना होता है, और ये इस तरह से पहना जाना चाहिए कि आपके जो ये 3 लेयर्स हैं, इनका जो डायरेक्शन है ये नीचे की तरफ होना चाहिए। तो अगर आप ये उल्टा पहन रहे हैं तो भी आपके लिए इफ़ेक्टिव नहीं है। तो मास्क को सही तरह से पहनना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये नीचे की तरफ होने चाहिए आपकी ये परतें, और ये ऊपर होना चाहिए, प्लस इस तरह से लगा होना चाहिए कि साइड से हवा और गैप नहीं होना चाहिए। तो ये मास्क को सही तरीके से पहनने का तरीका है। और अगर आप लगातार नहीं पहन सकते हैं तो कोई पॉइंट नहीं है इसको हर समय पहने रहने का। इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप हाई रिस्क जोन में हैं, आप किसी क्लिनिक में जा रहे हैं, किसी पब्लिक प्लेस पे जा रहे हैं जहाँ पे आपको संभावना लग रही है कि आसपास का कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड हो सकता है, वहाँ पे आप इसको पहने, और जब आप सेफ जोन में हैं तो इसको हटा दें तो ज़्यादा अच्छा है। एक चीज़ और भी है ध्यान रखने वाली कि आपको खुद अगर कोल्ड और कफ है तो आप कोशिश करके बाहर ना जाएं, मास्क लगाएं घर के अंदर ताकि आपके आसपास के जो परिवार के लोग हैं उनको इन्फेक्शन ना दें आप, और आप स्वयं बाहर ना जाएं। दूसरी जो चीज़ बहुत ज़्यादा इस समय क्राइसिस भी हो रही है, हाइप भी हो रहा है, वो है सैनिटाइज़र का। तो ये सैनिटाइज़र हम लोग यूज़ कर रहे हैं, मैं एक चीज़ जो नोटिस कर रही हूँ, वो सैनिटाइज़र इनकम्प्लीट यूज़ हो रहा है। कल मैं अपने जानने वाले हैं, उनसे मिलने गए थे, वहाँ पे मुझे अपार्टमेंट के मेन गेट पे भी सैनिटाइज़र दिया गया, लिफ्ट के बाहर भी दिया गया और घर के अंदर भी दिया गया, पर तीनों ही जगहों पे जो मुझे सैनिटाइज़र का जो अमाउंट था, जो डोज थी, वो लेस देन रिक्वायर्ड थी। वो एक तरह से प्रसाद की तरह एक ड्रॉप हथेली पे रखा गया जो इनसफिशिएंट था। तो अगर आप इस तरह से सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं दिन में 10 बार या 15 बार, तो आप सैनिटाइज़र वेस्ट भी कर रहे हैं और
एक्चुअल में आप कंप्लीट प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है आपको। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, मेरी ये सलाह है आपको कि अगर आपके पास पानी है तो, और आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ आप साबुन लगाकर पानी से हाथ धुल सकते हैं, तो बेटर आइडिया ये है, बेटर प्रिवेंशन का मेथड ये है कि आप साबुन लगाकर ठीक तरह से हाथ को धुलें और उसमें उंगलियों के जो बीच के पोर हैं, गैप हैं, और हाथ या थोड़ा सा हाथ को भी पूरा अच्छे से धुलें और इसको इस तरह से उंगलियों को आपस में फंसा के वॉश करें। सैनिटाइज़र भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इट्स बेटर टू यूज़ इट इन अ सिचुएशन जहाँ पे ज़रूरत है, और पूरी डोज यूज़ करें, पूरी हथेली को आगे और पीछे से इससे कवर करना है आपको। और एक बार जब सैनिटाइज़र का आपने प्रयोग कर लिया है, उसके बाद आप कोशिश करिए, अवॉइड करिए कि आप उन सर्फेसेस को, उन जगहों को ना टच करें जहाँ पे इन्फेक्शन की संभावना है। तो ये तो हुआ मास्क और सैनिटाइज़र के बारे में। और अगर आप साबुन और पानी का उपयोग करेंगे तो जो सैनिटाइज़र की क्राइसिस है उसको भी आप कम करेंगे, क्योंकि ये सैनिटाइज़र उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं जो बार बार वॉशरूम में जाकर के हाथ नहीं धुल सकते हैं, जैसे कि हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, या कभी आप ऐसी जगह पे हैं जैसे आप ट्रेन में हैं या बस में हैं जिसमें आप वहाँ पे हाथ धुलने के स्कोप नहीं होता है, तब सैनिटाइज़र का यूज़ करिए। लेकिन अगर आप घर में हैं या किसी ऐसी जगह हैं जहाँ वॉशरूम है, नल है, पानी है, तो साबुन इज़ डेफिनेटली सुपीरियर ऑप्शन ओवर सैनिटाइज़र। इसके बाद आता है कि अगर आपको इन्फेक्शन है तो कैसे पता चलेगा। तो कोरोना के जो इन्फेक्शन है, दे आर लाइक फ्लू, मतलब जुकाम जैसा लगता है, आपको बुखार होगा, खांसी आएगी और नाक बहेगी, इस तरह के जो सिम्टम हैं वो होंगे। जो एक डायग्नोस्टिक प्रोटोकॉल लिया है डॉक्टर्स ने, उसमें है फीवर विद कफ। अगर आपको खांसी बहुत आ रही है, यूजुअली वायरल कफ में ड्राई कफ से स्टार्ट होता है, तो वो अगर बहुत खांसी आ रही है आपको और साथ में बुखार भी है, तो आपको अपने आप को आइसोलेट करने की ज़रूरत है। और अगर ये सिम्टम है और आप डरे हुए हैं, आपको लग रहा है कि मुझे कोरोना इन्फेक्शन तो नहीं है, कैसे इसको पता करें, तो आपको आसपास के क्लिनिक में या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में या अपने दोस्त डॉक्टर के पास नहीं जाना है। क्योंकि अगर आपको है और आप ऐसे प्रमाइसिस में या ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे उसके ट्रीटमेंट का मैनेजमेंट नहीं हो सकता है, तो आप अननेसेसरली, अननोइंगली उन सभी लोगों को इन्फेक्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर्स गवर्नमेंट ने रिलीज़ किए हैं, जिसमें सेंट्रल हेल्पलाइन नंबर है 011-2397-8046, 2397-8046, ये नंबर नोट कर लीजिए। इसके अलावा टोल फ्री नंबर्स भी हैं 9999-26-7238, एक और नंबर है 9999-26-7239। इसके अलावा एक ईमेल आईडी भी है जिस पे आप मैसेज कर सकते हैं, ncov2019@gmail.com। तो इन नंबरों पे आपको कॉल करना है, तो गवर्नमेंट की जो टीम है, डॉक्टर्स की जो टीम है, दे विल अप्रोच यू, दे विल कम बाय देमसेल्व्स टू सपोर्ट यू टू गेट द डायग्नोसिस डन एंड टू गिव यू द सजेशन, और जो भी उसका मैनेजमेंट है वो आपका करेंगे। तो आपको आसपास के क्लिनिक्स में नहीं जाना है, आपको आसपास के किसी पड़ोसी डॉक्टर को जाकर के वहाँ पे आपको फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। इसके साथ ही साथ अगर आपको आसपास में आपके स्टाफ में या आप क्लिनिक में काम कर रहे हैं और वहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसको फीवर और कफ है, तो आपको उसको अपने यहाँ बिठा के नहीं रखना है, उसको बाकी स्टाफ और बाकी लोगों के संपर्क में नहीं आने देना है, उनसे रिक्वेस्ट करना है कि वो अपने घर में रहें, उनका आप कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिए और हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके इन्फॉर्म करिए कि इस व्यक्ति को इस तरह के सिम्टम्स हैं और कृपया जो ज़रूरत है, जो नीडफुल मैनेजमेंट है वो किया जाए। तो बाकी काम डॉक्टर्स और गवर्नमेंट करेंगे। तो प्राइवेट क्लिनिक्स में ना तो इसकी जांच हो रही है, प्राइवेट पैथोलॉजीज़ में भी इसकी जांच अवेलेबल नहीं है। ये एक नया वायरस है, इसकी कोई डायग्नोस्टिक किट नहीं है, कोई एंटीजन या एंटीबॉडी टेस्ट नहीं है, इसमें आरएनए वायरस होता है और उस वायरस को ही मल्टीप्लाई करके टेस्ट करते हैं। तो ये एक बहुत ही यूनिक टेस्ट है और अभी भी हमारी नॉर्मल पैथोलॉजीज़ में अवेलेबल नहीं है। तो बेस्ट ये है कि आप हेल्पलाइन नंबर पे बात करें या डॉक्टर्स से बात करें या जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन हैं, जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे बात करें। चाहे अगर आपको है तो आप उनको सूचित करें, और अगर आपके आसपास में है और वो व्यक्ति खुद से नहीं जा रहा है तो आप उसके लिए भी फ़ोन करके इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो ये तो हुआ एक्शन की बात। फिर आता है क्वारंटाइन या आइसोलेशन। हम सब
चिकन पॉक्स के बारे में जानते हैं, बरसों से, सालों, सदियों से ये हमारे देश में भी परंपरा रही है कि जब किसी को चिकन पॉक्स या माता होती है तो उसको उस कमरे में एक आइसोलेट कर दिया जाता है, उसका खाना पानी उसी कमरे में दिया जाता है और उस व्यक्ति को बाकी कमरों में और बाकी लोगों के संपर्क में आने से रोका जाता है, उसी तरह का ये भी एक वायरस है। तो अगर आपके घर में किसी को इस तरह के सिम्टम है तो आप गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि कोई एक्सपोजर नहीं है, किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में वो नहीं आया है जिसको ट्रैवल हिस्ट्री हो, इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री हो, तो आप उस व्यक्ति को घर के अंदर आइसोलेट करिए, उसको देखभाल करिए, उसको सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट दीजिए, जो भी बुखार है तो आप पैरासिटामोल दे सकते हैं, जुकाम कोल्ड की जो भी मैनेजमेंट है वो सब करिए और उसको आइसोलेट करके रखिए अपने घर के अंदर भी। अगर छोटे बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं तो उनको आपस में संपर्क में मत आने दीजिए। और क्वारंटाइन में कितने दिन तक नहीं संपर्क में आने देना है ये भी एक क्वेश्चन है, क्योंकि अभी लोगों को कन्फ्यूज़न है कि एक दिन बाहर ना जाएं, 7 दिन बाहर ना जाएं, काम कैसे चलेगा, कब करना है, कब नहीं करना है। तो अगर आपको सिम्टम है और सिम्टम की शुरुआत हो चुकी है तो जिस दिन पहला सिम्टम आया है उससे अगले 7 दिन तक आपको लोगों के संपर्क में नहीं आना है। 7 दिन के बावजूद, 7 दिन बीतने के बाद भी अगर आपका बुखार नहीं जा रहा है और कफ भी है या कफ नहीं भी है, बुखार है, बुखार के साथ बाकी सिम्टम है, तो आपको फर्दर उसको आइसोलेशन में रखना है। अगर बुखार ठीक हो जाता है, 7 दिन बीत चुके हैं और सिर्फ कफ रह गया है, तो आइसोलेशन को आप बंद कर सकते हैं, क्योंकि कफ या खांसी थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है ठीक होने में। तो अगर बुखार ठीक हो गया है तो आप मान के चलिए कि आप जो वायरस का जो साइकिल है उससे बाहर आ चुके हैं और आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए कि आपको कोई सिम्टम नहीं है, खुद आपको कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन आप किसी ऐसी जगह हो करके आए हैं जहाँ पे संभावना थी कि कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति हो सकता था। तो अगर आप ट्रैवल करके आए हैं ट्रेन में या फ्लाइट में, तो आपके लिए एडवाइजेबल ये है कि अगले 14 दिन तक आप अपने आप को क्वारंटाइन में रखें, अपने आप को लोगों से मिलने जुलने से बचाएं। तो ये तो है क्वारंटाइन या आइसोलेशन के बारे में। हेल्पलाइन नंबर मैंने आपसे शेयर किया है। प्रिवेंशन में कुछ जो सावधानियां मुझे लगती हैं कि ज़रूरत थी बताने की, मास्क है, हैंड वॉश है, और इनका ध्यान रखिए। प्रिवेंशन, टेक प्रॉपर एक्शन व्हेनेवर यू सी एनी इन्फेक्टेड पर्सन या खुद आपको इन्फेक्शन हो रहा है, और क्वारंटाइन या आइसोलेशन। इंडिया अभी भी स्टेज 2 में है, स्टेज 3 में जाने से हमें रोकना है। इटली स्ट्रगल कर रहा है, वहाँ पे डॉक्टर्स भी परेशान हैं, पब्लिक भी परेशान है। हमें हमारे देश में की पॉपुलेशन डेंसिटी है और जिस तरह से एजुकेशन का लेवल है, प्रिवेंशन इज़ द ओनली मेथड एंड क्वारंटाइन या आइसोलेशन इज़ द गोल्डन रूल। So take care of yourself. This was Dr. Prabha Singh. I am cosmetic surgeon and laser expert, founder of Dr. Prabha's Glow Aesthetic Clinic. Keep glowing and stay safe. Thank you so much.